हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग सो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन का है टाइम ये और मेरी जो मेरी जो जिठानी है उनकी बड़ी बेटी का बर्थडे था तो हम उसी में लगे हुए हैं तैयारियों में तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बलून को फुला रहे हैं और बलून पम्प नहीं था हमारे पास इस वजह से हमने मतलब ऐसे ही कर लिया और बहुत शॉर्ट टाइम था हमें थोड़ा सा मतलब लेट हो गया मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे तो इनको टाइम नहीं मिल पाया तो इस वजह से हम जो मैनेज हो सका हम उसी में अपना मैनेज करके हमने उसका सेलिब्रेशन किया उसका बर्थडे मनाया तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपनी आ, अपने मतलब अपने तरीके से अपना बर्थडे मतलब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे तो हम बहुत खुश हैं और जैसा देख सकते हैं कहते हैं ना बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है तो आई थिंक ये सही कहावत है तो और आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड कितने खुश हैं और हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे इस मोमेंट को भी और यहाँ मेरे हस्बैंड मतलब तो अपने काम में भी लगे हुए थे उनके काम वो काम कर रहे थे उस टाइम पे तो उनका वर्क फ्रॉम होम है तो वो घर से ही काम करते हैं तो वो फ़ोन या लैपटॉप पे अपना काम करते रहते हैं तो यहाँ पे मैं बलून फूल फुलाते फुलाते मुझे थोड़ी बहुत खांसी भी आ गई थी तो इस वजह से और यहाँ पे मैं बीच में थोड़ा बहुत मस्ती भी करूँगी और इनसे मैं थोड़ा बहुत मज़ाक भी कर लेती हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अब, मत अब बलून फुला रहे हैं और फिर मैं जब पूरे घर को डेकोर कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा था हमें तो काफ़ी पसंद आया था मतलब हमने काफ़ी अच्छे से इसको डेकोरेट किया था तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन डन हो गई है अब यहाँ पे भाभी तैयारी कर रही हैं मतलब मटर पनीर बनेगी और एक मिक्स वेज बनेगी और पुलाव रहेगा और और पुलाव रहेगा और आई थिंक एक मीठे में शायद आई थिंक मीठा कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था तो यहाँ पे देखिए यहाँ भाभी ने छौंक लगा दी है मटर पनीर की और मटर पनीर वो बना दी थी और मिक्स वेज मैंने बना दिया था और मुझे रेडी भी होना था तो जल्दी जल्दी हम कर रहे थे मैं और भाभी मिलकर जल्दी जल्दी काम सारा निपटा रहे थे क्योंकि मतलब फिर इधर ही हम खाने बनाने में रह जाते तो हम सेलिब्रेशन नहीं कर पाते तो इस वजह से मैंने भाभी से कहा कि भाभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं और सब लोगों की फ़ोटोज़ वग़ैरह भी आप आगे देखोगे काफ़ी हमने इन्जॉय किया था इस मोमेंट को और यहाँ पे भाभी मिक्स कर रही हैं इसमें प्याज व्याज का तड़का और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलाकर वो अच्छे से भून लेंगी और फिर मटर डाल के और टमाटो की जो ग्रेवी होती है तो उसको डाल के मिक्स करके फिर पनीर डाल देंगी तो ये इनका रेडी हो जाएगा और नेक्स्ट मैं आऊँगी मिक्स वेज बनाने के लिए तो उसमें सिंपल कुछ करना नहीं था उसमें सारी सब्ज़ियों को एक साथ डाल के बस अच्छे से मसाले डाल के उसको ढक देना था और वो मिक्स वेज बन गई थी तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाभी अपनी तैयारी में लगी हैं और इधर मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ मिक्स वेज के और एक तरफ आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने दूसरे गैस पे चढ़ाया है मैंने पानी और ये पुलाव बनाने के लिए हमने चढ़ाया है इस पानी को तो जब ये पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो उसमें भाभी ने पहले से ही चावल धो के रखा था और आ, उसको मतलब तो पानी जब बॉयल हो गया तो उसमें भाभी ने उस चावल को डाल दिया अच्छा पानी में भाभी ने डाला था तेज पत्ता और एक इलायची और दालचीनी आई थिंक थी तो मतलब फ्लेवर लाने के लिए बेसिकली तो इस वजह से आ, मतलब उन्होंने रख दिया था और आ, लास्ट में जब सेलिब्रेशन हो गया तो हमने खाया पिया और फिर हमारा सेलिब्रेशन यहीं तक हो गया था उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है और भाभी ये धुले हुए चावल को ऐड करेंगी इसमें और इसको ढक के पका देंगी तो ये एकदम अच्छा और बढ़िया चावल हो जाएगा और ये बासमती राइस थी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब डन हो गया हमारी है हमारी तैयारियाँ यहाँ पे डन हो गई हैं और ये है मैदा जिससे भाभी कचौड़ियाँ बनाएंगी तो यहाँ पे सारी तैयारी डन हो गई है अब मैं जा रही हूँ तैयार होने और तैयार में हो चुकी हूँ मैंने साड़ी पहनी थी मेरा मन था साड़ी पहनने का इस वजह से तो मैंने साड़ी साड़ी पहन ली थी और फिर मतलब सब ने ही अपना ड्रेस चेंज कर लिया था तो मैं यहाँ साड़ी पहन के रेडी हो गई थी और यहाँ बच्चे भी रेडी हो गए थे जैसा कि आप देख सकते हैं छोटी बच्ची है ये रुचिका और पूजा और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे जो जेठ हैं और मेरे सास ससुर जो हैं सब भी आ गए थे सब लोग तो यहाँ पे मैं देखिए बच्चों की आरती कर रही हूँ और यहाँ पे दो केक आया था तो सब ने मतलब छोटी बच्ची जो है रुचिका उसका भी सेलिब्रेशन एक साथ ही हो गया तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया और मैंने सॉन्ग भी बजाया था तो यहाँ पे भाभी केक कटवा रही थी अब वो खिलाएँगी एक दूसरे को और रुचिका को भी वो खिला देंगी क्योंकि उस टाइम पे वो थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई थी इस वजह से उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हुआ था इस वजह से हमने सोचा कि जब पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट होगा तब हम उसका कर लेंगे साथ ही साथ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच्चों को खिला रही हैं भाभी केक फिर उसके बाद हमारा फोटो सेशन होगा और बड़े बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ हमने मतलब मेरे हस्बैंड ने क्लिक की थी और यहाँ छोटू सा बाबू भी बैठा है उसको भी मैं तिलक कर रही हूँ और यहाँ कुछ हमारी फ़ोटोज़ हैं सेलिब्रेशन की और जैसा कि आप देख सकते हैं तो हम आ, मतलब सब ने बहुत इन्जॉय किया अच्छा खाना खाया और आई थिंक आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन अपना ख्याल रखिए बाय बाय